पठान, शाहरुख खान का जबरा फैन, पठान देखने के लिए बुक करा लिया पूरा थिएटर इंडिया। फिल्म रिव्यू स्वागत है, चलिए हम आगे बताते हैं। संपूर्ण रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म का वह जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। वहीं पठान के जरिए शाहरुख खान पूरे 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापस लौट रहे हैं। यही वजह है कि फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पठान की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन इसे कल से ही शुरू कर दिया गया है। वहीं अपने फेवरेट हीरो को लेकर फैंस में भी जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। फैंस अपने फेवरेट सितारों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कोई उनके नाम से मंदिर बनवा देता है तो कोई घंटों उनके घर के बाहर एक झलक के इंतजार में खड़ा रहता है, तो वही कोई फैन अपने शरीर पर फैन के नाम का या उनकी फोटो का टैटू बनवा लेता है। अब एक फैन ने तो शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए पूरा का पूरा थिएटर ही बुक कर लिया है। शाहरुख खान का यह फैन मुंबई में रहता है और उसने मुंबई का गेटी गैलेक्सी थिएटर सुबह 9 बजे के लिए बुक कर लिया। बता दें कि इस थिएटर की खास बात यह है कि कोई भी फिल्म हो लेकिन यहाँ पहला शो 12 बजे ही शुरू होता है, लेकिन थिएटर ने शाहरुख खान की फिल्म के लिए अपनी पॉलिसी में इस बार बड़ा बदलाव किया है। जी 7 मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर सिनेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई का कहना है कि यह बात सच है कि शाहरुख खान के फैंस ने पूरे थिएटर को बुक कर लिया है। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग 12 बजे से पहले होगी और फैंस इसे देखेंगे। मनोज देसाई का कहना है कि फैंस ने शुक्रवार को 12 बजे से पहले शो शुरू करने की डिमांड की है। हालांकि पहला शो कितने बजे का होगा इस बारे में अब तक उन्होंने पुख्ता जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि फैन क्लब पहले शो के लिए थिएटर बुक करा चुके हैं।